देखिए, धोलेरा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने जा रहे हैं। जी, हम बात करने जा रहे हैं सुपर एरिया की, कारपेट एरिया की और बिल्टअप एरिया की। बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है 75% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। कई सारे लोग बिना इसके नॉलेज के इन्वेस्टमेंट कर बैठे होंगे, लेकिन जो अब इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मुझे लगता है उनको यह बात पता होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धोलेरा का सीधा कंपैरिजन सिंगापुर, दुबई और शंघाई जैसे शहरों से हो रहा है। अगर आपने इन शहरों को टीवी पर देखा होगा या आपने कोई भी हॉलीवुड मूवी देखी होगी, तो आपको पता होगा कि जो सोसाइटी होती है इन विदेशियों की, उन सोसाइटी में एक मकान से दूसरे मकान की डिस्टेंस काफ़ी होती है और उनके हर मकान के आगे कहीं ना कहीं गार्डन होता है और बहुत बड़ा गार्डन होता है, जिससे वो सोसाइटीज़ वेल मेंटेन रहती हैं। तो धोलेरा को ऐसा ही लुक देने के लिए इन तीन चीज़ों का फॉर्मुलेशन किया गया, जो है सुपर एरिया, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया। अब मैं आपको बता दूं कि सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया होता क्या है और क्यों आपको जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप तत्काल की बात करें, करंट डेवलपमेंट एरिया है, एक्टिवेशन जोन, अगर आप वहां पर मकान लेते हैं और धोलेरा में कहीं भी मकान लेते हैं, तो यही रूल फॉलो होता है जो मैं अभी आपको एक्टिवेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, एक्टिवेशन में सबसे कम साइज का जो प्लॉट है वो है 353 स्क्वायर यार्ड का। जी हां, 353 स्क्वायर यार्ड। अगर आप 353 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लेते हैं तो वो होगा आपका सुपर एरिया। 353 यार्ड होगा आपका सुपर एरिया। उसके बाद जो आपका कारपेट एरिया होगा वो होगा 240 यार्ड। जी हाँ, 240 स्क्वायर यार्ड का आपका होगा कारपेट एरिया। उसके बाद जिसमें आप मकान बनाएंगे वो होगा आपका 120 स्क्वायर यार्ड। जी हाँ, 358 स्क्वायर यार्ड के आपके नाम की रजिस्ट्री होगी, जिसको हम सुपर एरिया कहते हैं। और जो बाउंड्री वॉल आप बनाएंगे वो 240 स्क्वायर यार्ड में बनाएंगे, और जिसमें आप मकान बनाएंगे उसमें आप 120 स्क्वायर यार्ड में अपना मकान बनाएंगे। तो देखिए, जो आप बाउंड्री बना रहे हैं और जो 120 स्क्वायर यार्ड के बीच की दूरी होगी, उस जमीन में आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी कार पार्किंग बना सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, या तो फिर अच्छा सा कोई एक बड़ा सा गार्डन भी बना सकते हैं, जिससे आपके मकान में एक बंगलों का लुक आएगा। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने ये तीन एरिया आपको वहां जमीन खरीदने से पहले रूल्स और रेगुलेशंस में बताए हैं। देखिए, जब भी आप कार्पेट एरिया के बाद अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो तीन तरफ से आपको 2.5 से 3 मीटर की डिस्टेंस को छोड़ना है तीन तरफ से। जी हाँ, अगर आपका गेट यहां से है तो आप इस तरफ से पीछे से या फिर आगे से 2.5 और 3 मीटर को आपका डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। वो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से किस एरिया में कितना आपको छोड़ना है, वो आपको उस डीलर से पूछना है जिससे आप प्लॉट खरीद रहे हैं। पर अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें, तो देखिए, इंडस्ट्रियल का जो सबसे कम साइज है वो है 1500 स्क्वायर यार्ड का, जिसको हम सुपर एरिया बोल सकते हैं। और जो कारपेट एरिया होगा उसका वो होगा 1200 स्क्वायर यार्ड। जी हाँ, 1500 स्क्वायर यार्ड हो गया सुपर एरिया, 1200 स्क्वायर यार्ड हो गया उसका कारपेट एरिया, और 600 स्क्वायर यार्ड होगा उसका बिल्टअप एरिया। देखिए, इंडस्ट्रियल के बारे में मैंने आपको बता दिया, रेसिडेंशियल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब रह गया कमर्शियल। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम कमर्शियल की भी बात करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि कमर्शियल में और भी कई सारे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, उस वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। और अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है इंडस्ट्रियल या फिर रेसिडेंशियल को लेकर, अभी भी आप सोच रहे हैं कि मैं आप समझ नहीं पाए कि क्या सुपर एरिया, क्या बिल्टअप एरिया, क्या कारपेट एरिया, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर आ रहा है। और अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है धोलेरा के अंदर, आप सोच रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन आप डाउट में हैं कि कहां करें, कैसे करें, उसके थ्रू करें, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।